Where do I see? प्रभु श्री राम जी के जीवन का एक हिस्सा, द सिटी ऑफ हिस्ट्री, द सिटी ऑफ एनर्जी, अध्यात्म का स्रोत, नासिक सिटी। महादेव जी ने अपनी जटाओं से गोदावरी नदी का उगम किया, वो जगह ब्रह्मगिरी पर्वत, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर। ये वही सिटी है जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था, ये वही सिटी है जहाँ पे शूर्पणखा की नाक प्रभु लक्ष्मण जी ने काटी थी, ये वही सिटी है जहाँ पे 14 वर्षों के वनवास में का कुछ समय प्रभु श्री राम जी ने, सीता माता ने और लक्ष्मण जी ने काटा था। तो सिटी में एंटर करते ही हमने खाना खाया जो कि बेहतरीन था और 150 रुपये में हमारा पेट भर गया। स्टेशन के बाहर एक बस स्टैंड मिलेगा, वहाँ से बस पकड़ो और पंचवटी पहुँच जाओ, जहाँ का टिकट है मात्र 45 रुपीज। गाइस अभी हम आ चुके हैं त्र्यंबकेश्वर में, वहाँ पे पंचकुटी में आ चुके हैं और ये जो देख रहे हैं आप, ये है चक्री कुंड। क्या है चक्री कुंड? चक्री कुंड उधर है, राम कुंड और सीता माता। सीता माता अलीगढ़ से, ये सीता माता कुंड है और उसके बाजू में, ब्रिज के बाजू में है वो राम कुंड है। तो बोलते गोदावरी, यहाँ से 30 किलोमीटर त्र्यंबकेश्वर बोला जाता है। अपन 12 ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, उसमें से 10 नंबर का ज्योतिर्लिंग है। वहाँ भगवान शंकर जी ने अपनी जटा अपनी, वहाँ से गोदावरी पैदा हुई है। इनको बोलते दक्षिण वाहिनी गोदावरी। नदी के उस साइड नासिक है, जो रावण की बहन शूर्पणखा यहाँ मैरिज करने को आई, लक्ष्मण ने नाक काटा, इसके लिए नासिक, संस्कृत में नासिका। यहाँ 12 साल का कुंभ मेला होता है, ये चार जगह होता है, एक प्रयाग में होता है, दूसरा उज्जैन में, तीसरा हरिद्वार में और चौथा नासिक में। जब नासिक में कुंभ मेला भरता है, इस गोदावरी में स्नान होता है। जैसे आप लोग प्रयाग जाते हैं, वहाँ तीन नदी है, गंगा, यमुना, सरस्वती। यहाँ तीन नदी है, अरुणा, वरुणा और गोदावरी। इसी जगह राम जी ने अपने पिताजी का श्राद्ध किया है। सामने कपालेश्वर मंदिर है, ध्यान के सामने नंदी नहीं है, वो जगह शिव जी के हत्या ब्रह्मा हत्या हो गया, वो ब्रह्मा हत्या का पाप भी गोदावरी में नष्ट हो गया। इसी जगह शंकर भगवान ने नंदी को गुरु बनाया, वहाँ दर्शन करने से 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य मिलता है, उनको बोलते कपालेश्वर। काफी साफ सफाई हो रही है, रामकुंड की डेली साफ सफाई होती है यहाँ पे। राम कुंड हो गया, सीता माता कुंड हो गया, सब शूट हो गया ऑलमोस्ट। सो अभी हम जाने वाले हैं पंचकुटी में, सीता माता गुफा में। सो चलो उधर का सीन बताता हूँ। साकेला मंदिर है जहाँ पे मंदिर के बाहर नंदिनी है, देख सकते हो आप।
ये हम आ गए गोरे राम मंदिर, जहाँ की मूर्तियाँ थोड़ी सफ़ेद कलर की, इसलिए इसको गोरे राम बोलते हैं। टुकड़ा तो अभी हम सीता माता गुफा आ चुके हैं। ये गुफा लगभग 7000 साल पुरानी है, जो कि राम जी ने सीता माता के लिए बनाई थी। जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी तो रावण ऑब्वियसली बदला लेने के लिए अपनी सेना भेजेगा, ये जानकर राम जी ने सीता माता की सुरक्षा के लिए ये गुफा बनवाई थी। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ के रास्ते इतने पतले हैं ना, बड़ी मुश्किल से एक आदमी जा सकता है अंदर, इतनी छोटी गुफा ये। तो इस गुफा से आपको कुछ 10 से 12 स्टेप्स नीचे जाने के बाद एक छोटा रूम मिलेगा, उससे भी आपको और अंदर तक जाना है। वहाँ पे आपको राम जी का एक मंदिर मिलेगा छोटा सा, आप देख सकते हो ब्लैक स्टोन में कितनी प्यारी मूर्तियाँ बनाई है। ये एक कुछ तो भी रिफ्लेक्शन दे रही है, यानी कि जो चमक होती है ना इनमें से दिख के आ रही है वो चमक। इसके और अंदर जाने के बाद एक कुछ मंदिर जैसा बनाया है, और वहाँ से लेफ्ट टर्न मार के और नीचे जाना है, वहाँ पे आपको एक महादेव का मंदिर मिलेगा, आप देख सकते हो। ये महादेव का लिंग तब से है जब यहाँ पे सीता माता रह रही थी। तो यहाँ से हमें ऊपर के लिए स्टेप्स लेनी है, जहाँ से बाहर का रास्ता निकलता है। सो गाइस, अभी हमने सीता माता गुफा कंप्लीट कर दी है, अभी हम जाने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर के लिए। ये देख रहे हो आप, 25 किलो की बैग है, 25 किलो की अकेला भाई उठा रहा है, अकेला 25 किलो की बैग उठा के ट्रैकिंग करने वाला हूँ। ये देखो ऑटो के लिए पूछ रहा है। उठा के दिखा। हाँ ये ड्रोन दे, ये द्रोणाचार्य में पकड़ता नहीं, ये वाली उठा ना। अरे घवाच पोता आणला का तू यार। 25 किलो की बैग है भाई, 25 नहीं होगी, ज्यादा हो जाएगा। 25 किलो का तो आटा लेके आता हूँ मैं, बता इधर, चल छोड़, नहीं होगा तेरे से ना हो पाएगा, मेरे से होने वाला बिल्डर है तेरा भाई। कितने घेना दादा? ये है काला राम मंदिर। सो पंचवटी से अभी हम जा रहे हैं CBS पॉइंट पे, जहाँ से हमें त्र्यंबकेश्वर के लिए बस मिलने वाली है। और यहाँ पे ऑटो का बहुत ज़्यादा भाड़ा होता है भाई, यहाँ से CBS से हम पैदल यहाँ तक आए थे, और यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए 80 रुपये का भाड़ा चार्ज कर रहे हैं हमसे ऑटो वाले। भाग। तो यहाँ पे आते ही हमें बस मिल गई, तो अभी हम बस में बैठ के जाने वाले त्र्यंबकेश्वर। सो यहाँ से त्र्यंबकेश्वर 35 किलोमीटर आता है, 36 से 35 किलोमीटर, और बस का जो टिकट है वो है 50 रुपीज़ पर पर्सन। आप सामने देखो, वेदर इतना ख़राब हो रहा है ना, पूरे स्मोक नीचे तक आ गए, यानी पूरे नीचे तक आ गए, और शायद बारिश भी आ सकती है यहाँ पे कभी भी। आज ही करने का ब्रह्मगिरी, बहुत लेट हो गए आप लोग को। सो अभी हम आ चुके हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर, नहीं रास्ते में है अभी। अभी रास्ते में पैदल जाना पड़ता है, मेन गेट तो क्रॉस कर लिया हमने, पैदल बहुत आधे किलोमीटर तक जाना पड़ता है शायद से, उसके पीछे ब्रह्मगिरी पर्वत। अभी हम देखते हैं, इसमें बहुत लेट हो गया, 6-7 के बाद में बंद होता है, तो अगर पॉसिबल होता है जाना तो हम जाएंगे, वरना नीचे टेंट करके कैंप करके वहाँ पर रुकेंगे। सो अभी मंदिर का ड्यूटी बताऊँ मैं आपको। 25-30 किलो कंधे पे लेके ट्रेकिंग करना आसान नहीं है भाई लोग, बड़े बड़े सपने देखे थे, बर्तन वर्तन टेंट वेंट सब लेके चला, सिर्फ एक चीज़ के लिए ऊपर जाके चाय पीनी है, इसलिए मेरे इतना 25-30 किलो का हो जाएगा। ये है सेकंड गेट, मेन गेट हमारे मंदिर का। फाइनली हम आ गए त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बाहर, ये है मार्केट एरिया।
पूरे केदारनाथ वाली फीलिंग आ रही भाई। मंदिर के बैक साइड ये एक बड़ा सा लेक है जहाँ पे गोदावरी नदी का पानी है और यहाँ पे मछलियों को ना लोग पाव ब्रेड या जो भी है वो खिलाते कहते कि उससे अपना पाप धुल जाता है या फिर पुण्य मिलता है। ओ भाई आप आगे देख सकते हो, आगे पूरा ब्रह्मगिरी पर्वत है तो कुछ दिख ही नहीं रहा, बादलों से पूरा ढक गया है वो। और हमें ऊपर जाके कैंप करना था, शायद पॉसिबल नहीं होगा, ये कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही यहाँ पे। जैसे ड्रोन नीचे लिए हमने शूट करके, दो मिनट के अंदर यहाँ पे बारिश आ गई। मैंने बोला था कभी भी बारिश आ सकती है, ये त्र्यंबकेश्वर की स्पेशलिटी है, यहाँ पे ना हमेशा बारिश होती रहती है। तो ये है वो कुंड जहाँ पे 12 सालों में से एक बार कुंभ मेला भरता है और जब सब डुबकी लगा के अपने पाप धो लेते हैं, ये वही कुंड है। चलो मैं भी थोड़े मेरे पाप धो लेता हूँ, मुझे तो पूरी डुबकी लगानी थी बट पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी सुबह से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, थक गए और भीग भी गए थे बारिश में, सो नहीं पॉसिबल, बट थोड़े से तो पाप धो सकता हूँ। सो गाइज यहाँ पे मुझे एक बंदा मिला जो कि ऑलरेडी वहाँ पे डुबकी लगा रहा था, तो मैंने बोला कि मुझे तो पॉसिबल नहीं पानी में जाना, बट मेरे वीडियोज के लिए कुछ सिनेमेटिक शॉर्ट्स के लिए तो एक बार डुबकी लगा। तो फर्स्ट स्टेप में तो वो गिर गया, ऑलरेडी गीला था, बट सेकेंड स्टेप वॉज सक्सेस। कड़क एक नंबर है भाई, एक नंबर आला है भाई के लिए। मुझे गिल्ट फील हो रहा है, मेरे वजह से वो गिर गया और जो पाप मैंने धोए थे फिर से एक पाप चढ़ गया मेरे पे। चलो बारी है मेरे फैमिली के लिए, यूट्यूबर्स के लिए प्रे करने की। हर हर महादेव। तो मेरा आगे का पूरा प्लान फ्लॉप हो गया, मुझे कैंपिंग करना था पॉसिबल ही नहीं था, ऊपर जाने नहीं दिया और ऊपर से इतनी बारिश, सो पॉसिबल ही नहीं। तो हम एक संस्थे में रुके जहाँ पे पर बेड अगर आप लेते हो तो 100-150 रुपये में आपको पर बेड मिलता है, और अगर आप स्पेशल रूम लेते हो तो 600-700 रुपये में आपको एक स्पेशल रूम मिलती है। सो हमने यहाँ पे एक रूम ले ली थी और इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग होता है एंड। जय श्री राम। अगर आपको व्लॉग पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाय बाय।